प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट के आगे लिखा चौकीदार नरेंद्र मोदी। तो देखते ही देखते सभी बीजेपी नेताओं ने अपने अपने अकाउंट्स के आगे चौकीदार लिखना शुरू कर दिया। ये सारी मुहिम देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा, राफेल पे द हिंदू के नए खुलासे के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती चीफ मायावती केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। और मायावती ने कहा कि हिंदू अंग्रेजी अखबार के राफेल मामले में नया रहस्योद्दीन घाटन किया है। बीजेपी व आरएसएस वालों के लिए चौकीदार का महत्व उसकी ईमानदारी का नहीं, भ्रष्टाचार मुक्ति का ईमानदारी, देश हित व राष्ट्रीय सुरक्षा सब कुछ चौकीदार पर निछावर कर दिया है। अब चुनाव के समय चौकीदार सरकारी खर्च पर देश भर में घूम घूम कर सफाई दे रहे हैं कि बेईमानी नहीं बल्कि ईमानदार हैं। देश को सोचना है कि ऐसे चौकीदार को आगे वोट देना है या नहीं देना है। वहीं बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आखिर क्या किया जाए, आपको बता दें कि मोदी सरकार राफेल डील में द हिंदू पहले खुलासे से उबर भी नहीं पाई कि दूसरा मामला सामने आ गया। द हिंदू की नई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने राफेल सौदे को डील में भ्रष्टाचार में कार्रवाई वाला क्लॉज भी हटा दिया। द हिंदू में छपी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार में लड़ने का दावा करने वाली सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई वाला क्लॉज ही हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सौदे पर दस्तावेज से कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने फ्रांसिस पक्ष को बड़ी रियायत दी। सप्लाई बैंक में मायावती ने बोला कि देश के अंदर ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना किसानों को उनका हक मिल पा रहा है। देश में आज किसान आत्महत्या करने पे भी मजबूर होता जा रहा है, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती बीजेपी को। जनता के पैसे से ही घूमने के सारे काम हो रहे हैं, चुनाव का सारा खर्च भी जनता के पैसों से हो रहा है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप पे औरों से पहले।